मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस जो हैं इस हवाले से लेस फोकस्ड हैं चाइल्ड uh, बेयरिंग और चाइल्ड रेयरिंग के ऊपर उनका फोकस जो है वो इंडिविजुअल्स के रोमांटिक रिलेशनशिप्स के ऊपर होता है तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दी मॉडर्न सोसाइटीज़ आर शेपिंग एंड रीशेपिंग आवर बिहेवियर रिलेटेड टू चाइल्ड केयर एंड चाइल्ड रेयरिंग प्रोसेस Formally speaking, parents and caregivers provide for physical, emotional, and social needs of children. In Pakistan, child rearing is often seen as the responsibility of the mother, although father and other family members also play their role. Extended family members such as grandparents, aunts, and uncles are often involved in childcare and they do provide the support to the parents. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी एंड टू अंडरस्टैंड दैट इन पाकिस्तानी सोसाइटी हाउ दिस प्रोसेस ऑफ चाइल्ड केयर एंड चाइल्ड रंग इज़ बीइंग चेंज्ड इज़ बीइंग रीशेप्ड जैसे जैसे मॉडर्न सोसाइटी के अंदर मॉडर्न लाइफ आइडियोलॉजीज चेंज हो रही हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन प्रोसेस चेंज हो रहे हैं जेंडर रूल्स के अंदर शिफ्ट आ रहा है उसी तरह से चाइल्ड केयर और चाइल्ड रेयरिंग और चाइल्ड चिल्ड्रंस वेलबींग के ऊपर भी जो है ये असरात मुरतब हो रहे हैं ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में बच्चों की तरबियत के हवाले से जो मेजर फोकस होता था वो उनकी एथिकल वैल्यूज़ के ऊपर होता था बच्चे की पर्सनैलिटी बिल्डिंग में जो बड़ा फोकस होता था उसको राइट right रॉन्ग की डेफ़ीशन के अंदर डिस्टिंगशन सिखाना होता था और ख़ास तौर पे उसकी जो रिलीजस वैल्यूज़ होती थी उस उनको इनकलकेट करना होता था मॉडर्न सोसाइटीज़ जो हैं वो चाइल्ड बेरिंग, चाइल्ड रियरिंग के हवाले से जो पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशंस रखती हैं वो बच्चे की एजुकेशन के ऊपर है कि पेरेंट्स का फोकस जो हो बच्चे को अच्छी से अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना ताकि वो माशरे के लिए मुफीद शहरी बन सकें और माशरे के मुफीद शहरी बनने से मुराद ये है कि वो अच्छे प्रोफेशनल्स बन सकें तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे हमारा फोकस जो है वह इंडिविजुअल की पर्सनालिटी बिल्डिंग इंडिविजुअल की स्पिरिचुअल पर्सनालिटी बिल्डिंग और पर्टिकुलरली उसकी जो मॉरल वैल्यूज़ थी उनसे शिफ्ट होके तो अब हमारा फोकस जो है वो उसकी प्रोफेशनल बींग और उसकी एजुकेशनल वैल्यूज़ के ऊपर शिफ्ट हुआ है इसी तरह से हम ये देखते हैं कि ये डिफरेंसेस हमें रीजनल वेरिएशंस के अंदर भी नज़र आते हैं और इसके साथ साथ रूरल अर्बन डिफरेंसेस भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो बच्चे जो रूरल एरियाज़ के अंदर परवरिश पाते हैं रिलेटिवली उनकी जो फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं नस्बता उन बच्चों के जो कि अर्बन एरियाज़ के अंदर होते हैं इसी तरह से जो अर्बन लाइफ है उसमें जो मेजर फोकस होता है वो बच्चे के एजुकेशन या क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर होता है जबकि रूरल एरियाज़ के अंदर बच्चे की फ़िज़िकल स्ट्रेंथ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है ताकि उसको शुरू से ही जो है वो लेबर फोर्स का हिस्सा बनाया जा सके और उसको लेबर पोटेंशल लेबर के तौर पे तैयार किया जा सके इंटरेस्टिंगली जो मॉडर्न इनोवेशनस हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी वजह से भी जो चाइल्ड रेयरिंग है और चिल्ड्रेंस वेलबींग well है उसके ऊपर एक असरात मुरतब हो रहे हैं आज आ, बच्चे को आ, शुरू से ही बड़ी अर्ली एज से एक्सेस टू इंटरनेट और एक्सेस टू मोबाइल फ़ोन जो है वो मैसर होती है बहुत सी स्टडीज़ जो हैं वो इसके हवाले से बच्चे की मेंटल ग्रोथ उसकी कॉग्निटिव ग्रोथ के ऊपर इसके नेगेटिव असरात जो हैं वो इस्टेब्लिश कर चुकी हैं लेकिन चूंकि ये टेक्नोलॉजी जो है वह अब मैसर है और पेरेंट्स ये समझते हैं कि बच्चों को की अटेंशन या बच्चों की अटेंशन को फोकस करने के लिए जो है ये टेक्नोलॉजी अब बहुत हद तक ज़रूरी हो चुकी है और हम इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि बच्चों को उससे दूर रखा जा सके लेकिन इसके साथ साथ जो देखने की चीज़ है वो ये है कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो हैं हमारे बच्चों की तरबियत के ऊपर किस तरह के असरा मुरतब कर रही हैं और इसके साथ साथ इन, इनके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो क्या मुरतब हो रहे हैं इंटरेस्टिंगली जो एक स्टडी है वो ये रिफ्लेक्ट करती है कि आपकी काग्नेटिव एबिलिटीज जो हैं वो जब पर्टिकुलरली अर्ली एज के अंदर जब बच्चा जो है वो बहुत सी नई चीज़ें सीख रहा होता है तो ये कागनेटिव एबिलिटीज़ जो हैं ये भी उसके साथ साथ डेवलप हो रही होती हैं तो चूँकि मोबाइल फ़ोन के अंदर बच्चे का इंटरेस्ट या फोकस जो होता है वो एंटरटेनमेंट होता है ना कि लर्निंग होता है तो उसके अंदर जो है वो एक स्किपेबिलिटी डेवलप हो जाती है यानी वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की बजाय अपनी मेमोरी में स्टोर करने की बजाय जो है उसको स्किप करता जाता है तो इट लेटर ऑन जो है ये आपकी मेमोरी के ऊपर या मेमोराइजेशन के प्रोसेस के ऊपर बड़ा एक डेवस्टेटिंग इफेक्ट क्रिएट करती है तो एनी वे इट्स अ फूड फॉर थाट फॉर यू दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड केयर एंड चाइल्ड रिंग प्रोसेस विद इन द पाकिस्तानी कॉन्टेक्स आप अपने इर्द गिर्द में देखें कि जिन फैमिलीज़ के अंदर छोटे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स किस तरह से उनकी परवरिश करते हैं और क्या स्ट्रेटीज़ अडॉप्ट करते हैं जि, ज, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं उनकी ना सिर्फ की पर्सनैलिटी ग्रो हो पाए वो एडिकेटली जो है डिफरेंट सोशल स्किल्स सीख पाएँ बल्कि इसके साथ साथ जो है वो मॉरल बीइंग या मॉरल इंडिविजुअल्स भी बन पाएँ ताकि वो माशरे के अंदर मौजूद जो राइट और रॉन्ग है उसको डिस्टिंगटिवली देख सकें